फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है, लेकिन इंडिया में इसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक फेरी टेल को देखा ही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलर एनिमे क्रिएटर होने के बावजूद भी कोई बंदा फेरी टेल के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो पहले तो हम फेरी टेल एनिमे के बारे में जान लेते हैं, बाद में उसके न्यू सीजन के अंदर हमको क्या देखने को मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, फेरी टेल एक काफी ज्यादा पॉपुलर एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी वाला एनिमे है जो कि 2009 के अंदर रिलीज हुआ था, और इस वाले एनिमे के अंदर लगभग 328 एपिसोड है जिसके अंदर कुछ फिलर्स भी है, साथ ही साथ में दो मूवीज भी है जो कि मेरे हिसाब से मेन स्टोरी से कुछ ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। फेरी टेल ये वाली स्टोरी है अपने मेन प्रोटैगनिस्ट नात्सु की, जो कि अपने मिसिंग ड्रैगन फादर की खोज पर निकलता है, जहाँ पर वो अपने मिसिंग फादर को ढूंढने के लिए एक गिल्ड को ज्वाइन करता है। उस वाले गिल्ड का नाम रहता है फेरी टेल। यहाँ पर देखा जाए तो फेरी टेल की स्टोरी नात्सु और उसके गिल्ड मेंबर के ऊपर ही है, जहाँ पर बस गिल्ड मेंबर्स होने के बावजूद भी वो लोग कैसे एक दूसरे को फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं। जहाँ पर फेरी टेल एक मैजिकल विजार्ड की गिल्ड है जिसके अंदर इतने ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स है जिनको देखने के बाद में आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि इन लोगों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। लाइक जैसे जैसे फेरी टेल की स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप अलग अलग कैरेक्टर से रिलेट करने लग जाते हो, लाइक इन सारे कैरेक्टर्स के साथ में आप इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो कि ये वाला एनिमे आपको कभी ना कभी रुला ही देगा। एक मैजिकल फैंटेसी एनिमे होने की वजह से इस वाले एनिमे के अंदर आपको काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एक्शन देखने को मिल जाती है, लाइक अलग अलग कैरेक्टर जो है वो अलग अलग फाइटिंग स्टाइल से लड़ता है। लेकिन इस वाले एनिमे के अंदर एक दिक्कत है जो कि इसका प्लॉट आर्मर। माना कि हर एक शोनन एनिमे के अंदर एमसी जो रहता है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई जिस फाइट के अंदर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के जितने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहते हैं, लेकिन उसमें भी अपना जो एमसी रहता है वो लास्ट में जाके कैसे भी करके जीत ही जाता है। तो अगर आप इस वाली चीज को इग्नोर कर देते हो तो आपको इस वाले एनिमे से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वाले एनिमे की एक बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि इसका जो प्लॉट है वो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा सिंपल रहता है, लेकिन लास्ट में जाके चीजें काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। माना कि मुझे इस वाले एनिमे को देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इस वाले एनिमे के अंदर की जो कॉमेडी है, इसके अंदर का जो एनिमेशन है भाई वो काफी ज्यादा अच्छा है। लाइक टाइम टू टाइम इन लोगों ने भाई अपने एनिमेशन के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, और इसकी जो कॉमेडी है भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। और इस वाले एनिमे का एक्शन और उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी ज्यादा टॉप नॉच है। लाइक फाइट के टाइम पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसकी वजह से जो फाइट सीन्स है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो चलो अभी बात करते हैं फेरी टेल के 100 ईयर क्वेस्ट के बारे में, जो कि 7 जुलाई को रिलीज होने वाला है। इसके अंदर फेरी टेल की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होने वाली है, जिसके अंदर अपना जो नात्सु रहेगा वो फेरी टेल के सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेस्ट को पूरा करने के लिए जाने वाला है, जिसके अंदर उसको 5 ड्रैगन्स को या तो सील करना है या तो उनको मारना है। लेकिन ये ऐसे वैसे ड्रैगन्स नहीं है, ये जो 5 ड्रैगन है वो ड्रैगन गॉड्स होने वाले हैं, इसलिए उन लोग को कैप्चर करना या उनको डिफीट करना नात्सु के लिए थोड़ा बहुत तो मुश्किल होने वाला है। और कल ही मैंने इसका ट्रेलर देखा, जिसको देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर का एक्शन और इसके अंदर का एनिमेशन काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे न्यू जनरेशन के एनिमे चल रहे, तो इस टाइम पे एनिमेशन की क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए। तो क्या आपने अभी तक फेरी टेल एनिमे को देखा है? अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे को नहीं देखा है तो आपके पास में 7 जुलाई तक का टाइम है, तो अगर आपको न्यू सीजन तक कैचअप करना है तो आप इस वाले एनिमे को अभी देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।